मुख्यमंत्री के तौर पर और अब सौरभ भारद्वाज। कहता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्चा सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तीन बार के एमएलए ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ ले ली है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से वो जुड़े रहे, अरविंद केजरीवाल के करीबी लोगों में से एक वो जाने जाते रहे। अरविंद केजरीवाल ने जब पहली बार 2013 में 49 दिनों की सरकार बनाई थी उस समय भी वो मंत्री रहे थे, जल बोर्ड में वाइस प्रेसिडेंट रहे, एक बार फिर से आतिशी सरकार में मंत्री और अब गोपाल राय मंत्री पद की शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। इसके पहले ही भी गोपाल राय पर्यावरण वन और वन्य जीव के मंत्री थे, उनकी शपथ सुनते हैं। गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गोपाल राय पहले भी मंत्री रह चुके हैं, दो बार के एमएलए, फिलहाल बाबरपुर से वो विधायक हैं। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के मऊ में किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन अपनी जिंदगी की जंग उन्होंने लंबी लड़ी जब 1999 में उनको गोली लगी थी और बहुत लंबे समय तक। आशुतोष जी इस पर दो लाइन में प्रकाश डालेंगे। आशुतोष जी, मुझे लगता है कि गोपाल राय बहुत ही जीवंत वाले आदमी हैं क्योंकि गोली लगी थी उसके बाद ये लंबे समय तक टोटली पैरालाइज्ड थे और जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है कई साल तक ये पैरालाइज्ड रहे और घर में इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत अमीर परिवार से नहीं आते थे। उसके बाद इनके शरीर में हरकत शुरू हुई और फिर वो शेयर विल पावर की वजह से वो यहां तक पहुंचे हैं। और आप लोगों को शायद ध्यान नहीं होगा वो चलने में उनको बहुत दिक्कत होती है, लेकिन कई बार ऐसे मौके आए हैं जब दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है और गोपाल राय उस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, जहां लाठीचार्ज भी हुआ है। ये इत्तेफाक की बात है कि पुलिस ने उनको लाठी नहीं चलाई अन्यथा, तो ये इतनी हिम्मत इतना कन्विक्शन उनके अंदर है और बहुत। और ये तस्वीरें विजेंद्र गुप्ता से बातचीत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या बातचीत हो रही होगी देखिए। चलिए मैं इस तस्वीर पर आऊंगी, कैलाश गहलोत की बारी आ गई है, लेकिन वो तस्वीर दोबारा हम दिखाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। मैं कैलाश गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कैलाश गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी में प्रमुख जाट चेहरा हैं। इनके चेहरे पर आम आदमी पार्टी यकीनन हरियाणा में भी अपना प्रभाव डालने की कोशिश करेगी। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं कैलाश गहलोत। 2017 में पहली बार केजरीवाल कैबिनेट में इनको मौका मिला था और कैलाश गहलोत ने दिल्ली हाईकोर्ट बार काउंसिल से भी ये जुड़े रहे हैं। कैलाश गहलोत ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और अब अगला नाम मुकेश अहलावत का सुल्तानपुर माजरा जो सुरक्षित सीट है मैं वहां से आप इमरान हुसैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं इमरान हुसैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 21 मई 1981 को नई दिल्ली में इमरान हुसैन का जन्म हुआ। इसके पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार में भी वो मंत्री रह चुके थे। इमरान हुसैन ने अप्रैल 2012 में आरएलडी से बली मारान से वो पार्षद चुने गए थे। आपको बताते चले 2015 में बीजेपी के श्यामलाल मोरवाल को 33,000 से ज्यादा मतों से हराया था। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को 36,000 से ज्यादा मतों से हराकर फिर से वो विधायक चुने गए और अब उनको फिर से जिम्मेदारी दी गई है। अरविंद केजरीवाल के करीबियों में से एक माने जाते हैं। बल्ली मारान क्षेत्र से दो बार के विधायक जिनको एक बार फिर से जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज की डिग्री उनको हासिल है। प्रमुख आम आदमी पार्टी का मुस्लिम चेहरा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुकेश अहलावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुकेश कुमार अहलावत ने मंत्री पद की शपथ ली है। 12वीं तक की पढ़ाई इनकी ओर से की गई है। सुल्तानपुर माजरा सुरक्षित सीट से ये विधायक हैं। 2008-2013 में बीएसपी के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था और मंत्री पद की शपथ पहली बार ये मंत्री बन रहे हैं। आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी सरकार में आतिशी के इस मंत्रिमंडल में इनको शामिल किया गया है। हालांकि चार से पांच महीने ही ये जो चेहरे आप देख रहे हैं इनके ऊपर अब जिम्मेदारी होगी कि आम आदमी पार्टी को लेकर नए सिरे से नए जोश के साथ वो आगे